गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज नंदिता सिंह फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर 6 ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। द चैप्टर नेम इज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में हम सब ने पढ़ा है पहले भी। ए एंड द होते हैं आर्टिकल। द वर्ड ए एन एंड द आर नोन एज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए एन एंड द आर्टिकल्स आर डिटरमाइनर्स एंड पॉइंट आउट नाउन्स। दे आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर द नाउन। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स डिटरमाइनर्स होते हैं जो कि नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। दे आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर द नाउन। और आर्टिकल की स्पेशलिटी क्या होती है? ये हमेशा नाउन के पहले रखे जाते हैं। उनका यूज सबसे नाउन से पहले होता है। There are two types of articles. The indefinite articles such as a and an, the definite article the. दो तरीके के articles होते हैं। कौन कौन से? a and, जिन्हें हम indefinite articles कहते हैं, और definite article कौन से होते हैं? the. Indefinite article क्या होते हैं? a and an. Are indefinite articles in English. They are used before common, singular and countable nouns. Common, singular or countable nouns के पहले इनका use किया जाता है indefinite articles का। A और an, यानी कि जहां पर vowel sounds आते हैं वहां पर an use किया जाता है, जहां पर consonant sounds आते हैं वहां पर a use किया जाता है। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि ए और एन का यूज कहां पर होता है? जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड्स आते हैं वर्ड के वहां पर ए यूज होता है, और जहां पर वोवेल साउंड्स आते हैं वहां पर एन लगता है। वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? श्योर, कैन यू टेल मी हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर? 9, 5। विच वन? टेल मी द नेम। ए ई आई ओ यू। Yes. How many consonants are there? 26. No. Alphabets आपके 26 होते हैं ना? Consonants, alphabet अगर 26 होते हैं, उनमें से 5 हमने हटा दिए vowel. तो कितने बचे? 21 बचे, है ना? तो consonants होते हैं। तो vowel sounds जहाँ पर होंगे, वहाँ पर n लगेगा। Consonant sounds जहाँ पर होंगे, वहाँ पर a लगेगा। अब हम देखेंगे ए और एन का यूज कैसे होता है। ए इज यूज विद नाउन्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ए कहां पर यूज होता है? जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। कॉन्सोनेंट लेटर नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड्स। एन इज यूज विद नाउन्स बिगिनिंग विद अ वोवेल साउंड। एन कहां पर यूज होता है? जहां पर वोवेल साउंड्स होते हैं। Some words are pronounced with a consonant sound despite beginning with vowels, such as U O E as in university, and one and European. In such cases, we use the article A. कुछ जगहों पर जहां पर vowels हमें दिखते भी हैं, लेकिन हम उनके आगे ए लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? सम वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड विद द कॉन्सोनेंट साउंड्स डिस्पाइट बिगिनिंग विद द वोवेल्स। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी शुरुआत वोवेल्स से होती है, लेकिन जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो वहां पर कॉन्सोनेंट साउंड आते हैं। ठीक है, तो जहां पर कॉन्सोनेंट, हम किसी भी वर्ड को वो वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है ये कैसे पहचानेंगे? सिर्फ उसके साउंड से, वर्ड से या लेटर से या फर्स्ट लेटर से नहीं पहचानेंगे हम, सिर्फ उनको साउंड से पहचानेंगे। अब जैसे ये यूनिवर्सिटी नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है, इसको कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। यूरोपियन है, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड आएंगे वहां पर ए लगेगा, एंड नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्या रूल है? देयर आर वर्ड्स That begin with a consonant but the consonant sound is silent, such as on, as, on, a. In such cases, we use the article an. कुछ ऐसे consonant words होते हैं जिनका starting consonant होता है लेकिन जिनके sound हमेशा vowel होते हैं, जैसे कि h silent होता है, honest
ऑना, आर, ये सारे एच साइलेंट है और साउंड क्या आ रहा है, ओ. ओ क्या है हमारा, वोवेल है, तो इसलिए यहाँ पर एन लगता है. ये सारे रूल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे. दे आर वर्ड्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट बट आर प्रोनाउंस विद अ वोवेल साउंड सच एज एब्रीविएशन लाइक एम एम ए एम एल ए. सच वर्ड्स ऑल्सो टेक द आर्टिकल एन. कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, एब्रीविएशन होते हैं. एब्रीविएशन किसको कहेंगे, जो शॉर्ट में करके लिखे जाते हैं. अब देखिए यहाँ एम तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो एम एम ए एम एल ए, तो ये कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि वोवेल साउंड को शो कर रहा है. तो जो एब्रीविएशन वोवेल साउंड को शो करते हैं उनके आगे भी एन लगेगा. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एन और ए का यूज कहाँ पर होता है, ए जो कॉन्सोनेंट साउंड को शो करें, एन जो वोवेल साउंड को शो करें. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग लेटर वोवेल होता है, लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां पर कॉन्सोनेंट साउंड आता है, उनके आगे हम ए लगा देंगे. कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट लेटर से वर्ड स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो क्या होता है, वो वोवेल साउंड शो करता है. जैसे ऑनेस्ट, ऑनर, आर, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इनके लिए हम एन लगाएंगे. कुछ एब्रीविएशन भी वोवेल साउंड शो करते हैं, तो उनके आगे भी हम एन लगाएंगे. शौर्य ध्यान से पढ़िए, समझिए. जब मैं पूछूंगी तो फिर आपको आंसर भी देना है. वी डू नॉट यूज ए एन एन विथ अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल के साथ हम कभी भी ए और एन यूज नहीं करते. ए और एन हमेशा इंडिकेट करता है कि कोई भी चीज एक है जिसे हम काउंट कर सकें. तो जहां पर अनकाउंटेबल होता है, जैसे सॉल्ट है, मिल्क है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो उनके आगे ना हम ए लगाएंगे ना एन लगाएंगे. कैन यू पास मी सॉल्ट और शी इज वंडरफुल. इसमें कहीं पर भी काउंटेबल नहीं है, तो हम इसमें कहीं पर भी ए या एन नहीं लगाएंगे. हमें ये ध्यान रखना है कि ए एन लगाने के लिए कोई भी वर्ड नाउन काउंटेबल होना चाहिए. अब एक्सरसाइजेस आती है. देखिए यहां पर कुछ फिलअप ऐसे होते हैं जहां पर हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है, वहां पर हम कट कर देंगे. ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको आर्टिकल लगाना ही है, जहां जरूरत होती है वहीं पर लगेगा. तो ये फिलअप है, इसको आप कॉपी में कर लीजिएगा. ए और एन का यूज किया गया है इसमें, द का भी यूज हुआ है. अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल अभी मैंने आपको पढ़ाया था. डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द. अभी इनडेफिनेट पढ़ा था तो उसमें क्या था, ए एन था, डेफिनेट में द. इन द इंग्लिश लैंग्वेज देयर इज ओनली वन डेफिनेट आर्टिकल नेमली द. इंग्लिश लैंग्वेज में डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ एक ही होता है, जो कि है द. वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल टू रिफर टू अ स्पेसिफिक नाउन. किसी नाउन को स्पेसिफिकली शो करने के लिए द का यूज करते हैं. यूजिंग द डेफिनेट आर्टिकल द, वी यूज द विद. द का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, नाउन्स दैट हैव बीन यूज्ड अर्लियर. माई ब्रदर इज मेकिंग अ फिल्म. द फिल्म इज ऑन द कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. जिस पर्सन का यूज, जिस नाउन का यूज बार बार किया जा रहा है, उसको इंडिकेट किया जा रहा है, पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो उसके आगे भी हम द लगाते हैं. माई ब्रदर इज मेकिंग अ फिल्म. फिर फिल्म के बारे में बोला गया, द फिल्म इज ऑन द कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ऑर्डिनल्स के लिए द लगते हैं, जैसे कि द फर्स्ट, आई एम द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, द सेकेंड, द थर्ड. ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर आपने पढ़ा है. फिर नेक्स्ट क्या है, एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री.
एडजेक्टिव आपने पढ़ा है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये तीनों डिग्रीज आपने पढ़ी है, पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सुपरलेटिव के साथ हमेशा द लगता है, ये भी आपने पढ़ा है पहले, यानी कि थर्ड फॉर्म क्यूटेस्ट स्मॉलेस्ट। श्वेता इज द क्यूटेस्ट गर्ल आई हैव एवर सीन। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। यूनिक नाउन्स और नाउन्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड लाइक स्काई सन अर्थ मून। कुछ ऐसे नाउन जो कि यूनिक हैं और जो कि पूरे दुनिया में एक हैं, जैसे कि स्काई सन अर्थ मून, ये सबके आगे भी हमेशा द लगता है। सन मून अर्थ स्काई, जो चीजें यूनिक हैं एक हैं नेचर से रिलेटेड हैं उनके आगे द लगेगा हमेशा। द सनसेट्स इन द वेस्ट, द सनराइजेस इन द ईस्ट। वर्ड कोलोकेशन और वर्ड कॉम्बिनेशन सच एज टू स्पीक द ट्रूथ और वन हैंड नेम्स ऑफ, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे द लगेंगे, जैसे कि रिवर्स सीज ओशन, इन सब के आगे हमेशा द लगता है, द गंगा द बे ऑफ बंगाल द पैसिफिक ओशन। ग्रुप ऑफ कंट्रीज, जहां पर एक पूरी कंट्री का एक ग्रुप होता है, जैसे यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम जिसे यूके हम कहते हैं, उसके आगे भी द लगेगा। नेशनैलिटीज, रिलीजियस कम्युनिटीज जैसे कि इंग्लिश पीपल फ्रेंच पीपल क्रिश्चियंस सिख हिंदूज, ये सबके आगे द लगेगा। माउंटेन रेंजेस के आगे द लगेगा, जैसे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट, ये सब आपने SST में पढ़े हैं। एमिनेंट बिल्डिंग्स, जितने भी बिल्डिंग्स होती हैं, पार्लियामेंट है, बंकिंगम पैलेस है, वाइट हाउस है, रेड फोर्ट है, ताजमहल है, ये सारी बिल्डिंग्स हैं। होली बुक्स, इतनी इंपॉर्टेंट बुक्स होती है, रिलीजियस एपिक्स होते हैं, जैसे द गीता महाभारत बाइबल कुरान भगवद गीता, ये सारी होली बुक्स हैं जिनके आगे हमेशा द लगेगा। न्यू डेली सच एज, जैसे कि आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स दैनिक जागरण, इन सब के आगे हमेशा द लगेगा। ट्रेन शिप जितने भी होते हैं उनके आगे भी द लगेगा। टाइटल्स अवार्ड्स ऑनर्स, जैसे कि पद्म भूषण अवार्ड है, परमवीर चक्र अवार्ड है, नोबल प्राइज है, इन सब के आगे हमेशा द लगता है। वेल नोन इवेंट्स सच एज एशियन गेम्स वर्ल्ड कप ऑस्कर प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें जितनी होती हैं इन सब के आगे द लगता है। आपको ये पूरा लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किसके किसके आगे हमें द लगाना है, जैसे रिवर है, ओशन है, कंट्रीज, रिलीजियस थिंग्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, ट्रेन शिप के नेम हैं, अवार्ड्स हैं, टाइटल्स हैं, इन सब के आगे हमेशा द लगता है। ये फिलअप है आपका, इसको भी बुक में कॉपी में करिएगा, ए और बी एक्सरसाइज कॉपी में, बाकी ये वाली एक्सरसाइज बुक में कर लीजिएगा सी वाली। चलिए चैप्टर की प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी अच्छे से समझ में आएगा आर्टिकल्स का यूज। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास, गुड डे।